नमस्कार बच्चों, मैंने आपको कल पाठ 7 का अपठित गद्यांश करवाया था और मैंने आपको होमवर्क में यहाँ पर यह जो पठित गद्यांश है वह मैंने आपको यहाँ पर फिल करने के लिए दिया था। यह आपका होमवर्क था। तो बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पर इस पाठ के यह जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, 3 प्रश्न, उनमें से मैं आपको यहाँ पर प्रश्न 2 जो है वह भी बताने जा रही हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिए या आपको आपकी वर्कशीट में फिल करना है। प्रश्न 2, आदिवासियों के रहन सहन और पहनावे के बारे में अपने शब्दों में 5-6 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, आदिवासी लोग किस तरह से रहते थे, क्या पहनते थे, उनके रहन सहन के बारे में हमें लिखना है। जो मैं अभी आपको यहाँ बता रही हूँ इसे आप ध्यान से सुनिए। पहले के समय में आदिवासी जंगल में गुफाओं में रहते थे, फिर वे पेड़ पर और पत्तों एवं घास की झोपड़ी बनाकर रहते थे। वे पत्ते से बने कपड़े पहनते थे, औरतें फूल सिक्के से बने हार गले में पहनती है। वे जंगल में जानवरों का शिकार करके उनका मांस एवं फल फूल आदि खाते थे। वे प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। वे अलग अलग जानवर एवं पक्षियों की आवाज़ भी निकाल सकते थे। समय के जाते जाते जीवन शैली में बहुत बदलाव आ गया। तो बच्चों, कहने का मतलब है कि पहले के समय में जो आदिवासी लोग थे वे जंगलों में गुफाओं में रहते थे, उसके बाद धीरे धीरे वे पेड़ पर रहने लगे और फिर उसके बाद वे पत्तों से बनी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगे और वे जंगल के जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाते थे, फल फूल आदि खाते थे। और जो औरतें थी वह फूलों से बनी और सिक्कों से बनी माला जो थी उसका जो हार होता है वह गले में पहनती थी। वे प्रकृति से बहुत ही प्रेम करते थे। वे अलग अलग जानवर एवं पक्षियों की आवाज़ भी निकाल सकते थे। समय के जाते जाते उनकी जो जीवन शैली थी उसमें भी बहुत बदलाव आ गया। तो बच्चों, यहाँ पर यह जो प्रश्न है उसका उत्तर मैंने आपको बता दिया है या आपको वर्कशीट में फिल करना है। और यहाँ पर आपको जो यह प्रश्न 3 दिया गया है, कौन कौन से पशु हमें किस तरह से उपयोगी है। तो बच्चों, आप यह आपके आसपास भी देख सकते हैं कि कौन से पशु हमें किस तरह से उपयोग में आते हैं। तो यह आपको स्वयं लिखना है, यह आपका होमवर्क है। प्रश्न 3 और प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, हमें पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्यों। तो बच्चों, यह जो 2 प्रश्न है इनके उत्तर जो है वह आपको स्वयं लिखने हैं, यह आपका होमवर्क है। अभी मैं आपको यहाँ पर व्याकरण का रिवीजन करवा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी वर्कशीट में पाठ 7 वचन, यह पाठ मैं आपको व्याकरण में करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको उसका रिवीजन करवा रही हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर इस तरह से डेट लिखेंगे, ऊपर रिवीजन लिखेंगे। बच्चों, मैं अभी आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, वचन किसे कहते हैं। उत्तर, शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। प्रश्न 2, वचन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। उत्तर, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एकवचन और बहुवचन। तो बच्चों, ये तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अभी मैंने आपको यह फिर से भी बताया है। तो यह आपको आपकी वर्कशीट में फिल करना है। अभी मैं आपको यहाँ पर आगे प्रश्न 3 बताने जा रही हूँ। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखो। तो यहाँ पर एक वचन है, यहाँ पर उसका बहुवचन आपको लिखना है। तो जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, एक वचन शब्द पंखा,
तो उसका बहुवचन होगा पंखे, बेटा बेटे, छाता छाते, पतंग पतंगे, पौधा पौधे, रात राते, मेज मेजे, आँख आँखें, माता माताएं, तितली तितलियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, सड़क सड़के। तो बच्चों यहाँ पर यह जो सारे दिए गए हैं यह एकवचन शब्द है और यहाँ पर जो है यह है बहुवचन यानी कि एक से अधिक। अब यहाँ पर इसी तरह से आप देख सकते हैं एकवचन शब्द और यहाँ पर आपको उसके बहुवचन शब्द लिखने हैं। एकवचन लड़की, बहुवचन लड़कियाँ, माला मालाएं, घोड़ा घोड़े, बकरी बकरियां, लड़का लड़के, लता लताएं, बहन बहने, दिशा दिशाएं, नदी नदियां, घंटी घंटियां, घड़ी घड़ियां, गौ गौवे। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं यह सारे एकवचन एवं बहुवचन शब्द है जो मैंने आपको पहले भी समझाया था। अभी मैं आपको फिर से और एक बार बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। एक वचन यानी कि एक, बहुवचन अर्थात एक से ज्यादा यानी कि मोर देन वन। वचन की पहचान संज्ञा और क्रिया शब्दों के रूप से की जाती है। कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में और कुछ सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आदरणीय तथा सम्मानीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों जो हमसे बड़े होते हैं, आदरणीय होते हैं, जो रिस्पेक्टेड होते हैं, उनके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। और बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन होते हैं और कुछ सदैव एकवचन होते हैं। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर एकवचन एवं बहुवचन जो है वो मैंने आपको समझाया। दूसरा मैं अभी आपको ये बता रही हूँ कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक और धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं सदैव एकवचन में आती है। जैसे अकबर, नेहरू, बुढ़ापा, चांदी आदि। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि सदैव एक वचन में कौन कौन से आते हैं। तो बच्चों मैंने आज आपको यह आपका चैप्टर सिक्स जो है, सॉरी चैप्टर सेवन जो है वचन, यह मैंने आपको पूरा समझाया है और आपको यहाँ पर यह आपकी टर्म वन की वर्कशीट में फिल करना है। धन्यवाद।